बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आज थर्ड लेक्चर है हमारा, और इसमें हमने बात करनी है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हर चीज़ का एक स्कोप होता है। आप किसी फील्ड में जाते हैं, उसका भी स्कोप होता है, उसके फंक्शन होते हैं, उसने क्या काम करना होता है। तो सेम इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक एरिया है, वर्किंग स्कोप है, जिस जो जो एरियाज इसके अंदर आते हैं या वो इसका मैंडेट है, उसको हम स्कोप कहेंगे। द स्कोप ऑफ HRM इज़ वेरी वाइड, बहुत वाइड है। तो उस वाइड स्कोप, जहाँ जहाँ पे इसके फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने इन्फ्लुएंस करना होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, वो इसका स्कोप। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हैज़ स्पेसिफाइड द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं स्कोप। एक पर्सनल एस्पेक्टिव है। पर्सनल का मतलब जो लोग हैं, लोग जब एक ही माइंड के, एक ही गोल के साथ, एक ही जगह पे, एक ही फंक्शन कर रहे हों, या उनका उसका मकसद हो, तो हम उस जो पीपल का एक कम्युनिटी या ग्रुप है, उसको पर्सनल कहते हैं। तो उस पर्सनल के साथ, जो लोगों के साथ इसका पहलू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, वो किस तरीके से कनेक्टेड है, उसको हम पहले कवर करते हैं। पहले पॉइंट में, दिस इज़ कंसर्न विद मैन पावर। मैन पावर का मतलब लोगों के साथ, लोगों के साथ क्या करना होता है, उसको प्लान करना होता है। प्लान क्या, कि हमें कितने लोग चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, और नेचर के मुताबिक किस कैडर के, किस लेवल के लोग चाहिए, टॉप पे कौन अपॉइंट किया जाएगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके विजन क्या होना चाहिए, नंबर वन। दूसरे नंबर पर, उसके अंदर अगर CEO पर है, तो नीचे डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, डायरेक्टर्स के नीचे हमारे पास कितने मैनेजर्स होने चाहिए, हर एक अलग से जो डिसिप्लिन है, उसके अंदर किस तरह के मैनेजर, कितना एक्सपीरियंस, कितनी उनकी जो है वो वर्किंग कैपेसिटी, और उनके नीचे कितने लोग होने चाहिए, पर्सनल जो वर्किंग हो, यानी कि लाइन मैनेजर के नीचे कितने एम्प्लॉइज़ होने चाहिए, और एम्प्लॉइज़ की अल्टीमेटली डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे, और उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनको इंसेंटिव कैसे देने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैन पावर के साथ डील करेंगे। तो प्लान करना कि हमें कितने लोग चाहिए, किस कैलिबर के चाहिए, उनको रिक्रूट करना, ऐसे लोगों को तलाश करना, एडवर्टाइज करना, मुख्तलिफ लोगों सोर्सेज से लोगों को इंटीमेट करके उनको अट्रैक्ट करना। फिर जितने लोग अप्लाई करें, उनमें से जो क्वालिटी वर्क लोग हैं, जो क्वालिटी वाइज आपको फिट करते हैं, सूट करते हैं, उनको सेलेक्ट करना, प्लेस करना। जब सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको अपनी जगह पे लेके आना, उनको बिठाना, और फिर उनकी वक्तन फवक्तन एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, ताकि उनकी जो है वो कैरियर प्लानिंग के साथ साथ उनका नॉलेज भी बढ़े, और उनको एक्सपीरियंस हो हर जगह पे कौन से मसाइल हैं, किस तरीके से समझना, लेके चलना है, और उनको जिस लेवल पे आएं, एक वक्त गुजरने के बाद उनको प्रमोट करने के लिए उनके एग्ज़ाम दिए जाएं और उनको ट्रेंड किया जाए, ताकि वो अपनी नेक्स्ट जो जॉब है उसको ले सकें, फिर उनको डिवेल्प करना। और इसके अलावा, जब उनका टाइम पूरा हो जाए, या वो इनएफिशिएंट हो जाए, या उनका इंटरेस्ट ना रहे, या वो सही तरीके से फंक्शन ना कर रहे हों, तो उनको ले ऑफ कर देना, निकाल देना, या फिर रिटायरमेंट करना। इसके अलावा रिट्रेंचमेंट है, रिमनरेशन है, और यहाँ पे इंसेंटिव होना चाहिए, इंसेंटिव एंड प्रोडक्टिविटी। तो उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह, या फिर उनके फंक्शन में चेंज करना, या उनको कैरियर में ऊपर से नीचे मूव करवाना, या नीचे से ऊपर मूव करवाना, जो उनकी कैलिबर हो या जो उनकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से, फिर उनकी जो इंसेंटिव रिमनरेशन, उनकी सैलरी वगैरह, और किस तरीके से बढ़ाई जाएगी, और इसके अलावा इंसेंटिव क्या क्या दिए जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी, या बाकी जो उनके बच्चों के अखराजात वगैरह, या उनको जो दिया जाएगा, इसके अलावा उनसे क्या प्रोडक्टिविटी उनकी है या क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पर्सनल एस्पेक्ट के साथ स्कोप HRM के में आते हैं। इसके बाद जो वेलफेयर का एस्पेक्ट है, वो कवर किया जाता है। इट डील्स विद द वर्किंग कंडीशन एंड अमेनिटीज़, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर वर्किंग कंडीशन को सूटेबल इन्वायरमेंट में तब्दील करना, ताकि लोग पुरसकून तरीके से अपनी ज़रूरियात और मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ काम कर सके। उसमें कैंटीन वगैरह होनी चाहिए, जो जहाँ पे वो रेस्ट कर सकें। इसके अलावा लंच रूम होने चाहिए, जहाँ पे वो खाना खा सकें, जितनी उनको सहूलियात आप दे सकते हैं। इसके अलावा उनके घर हों, अगर नज़दीक हों, और जहाँ पे उनका अगर घर दूर हो, तो उनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, लेके आने लेके जाने के लिए, मेडिकल, अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं होती या उसको
कोई डिजीज़ आ जाती है तो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल असिस्टेंस उनको चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन है या हेल्थ और सेफ्टी के जितने गैजेट्स हैं उनको मुहैया करना, या फिर वक्तन फवक्तन उनके लिए को मेला वगैरह बनाना, या उनको कहीं टूर करवाना, और बाकी सहूलियात उनको मुहैया करना, ताकि वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ मोटिवेटेड होकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें। थर्ड नंबर पे जो है वो जो HRM ने करना होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट है कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ पर्सनल का आपस में मैनेजमेंट लेवल पे उनके रिलेशनशिप जनरेट करना, ताकि जो उनको चैलेंजेस दरपेश हैं या जो उन मसाइल हैं यहाँ पे अगर ना भी हों तो किसी वक्त में हो सकते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी प्लान करना। डिस्कवर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, जॉइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंसेज एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो लोगों के आपस में जो मसाइल हैं या यूनियंस के जो यूनियन रिप्रेजेंट कर रहती हैं लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, जो एक वो अपना एक सदर बना लेते हैं या यूनियन सेक्रेटरी वगैरह जो भी होते हैं, वो बार्गेन कर रहे होते हैं किससे, मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट जो HRM होती है उनसे वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि नीचे ये मसाइल हैं, ये इनको एड्रेस किया जाए, मेडिकल की फैसिलिटी में इशू आ रहा है उसको सहूलत दी जाए, ट्रांसपोर्ट में फलां इशू आ रहा है, या जो भी कोई इशू होगा तो उसको कम्युनिकेट करके एड्रेस किया जाए। तो ये सारे के सारे मसाइल जो है HRM ने अल्टीमेटली उनका सोल्यूशन अपने रिसोर्सेज एलोकेट करके करना होता है। तो ये अल्टीमेटली HRM के फंक्शन हैं, वो यानी कि वो पर्सनल के लिहाज से कि पर्सनल जो हमारे पास मौजूद है उनको फिगर आउट करना, इसके अलावा वेलफेयर की जो स्कीमें हैं वेलफेयर के कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, इसके अलावा जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के आपस में रिलेशनशिप है, या मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट दूसरी इंडस्ट्री में जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनके आपस में कोऑर्डिनेट करवाना और हेल्प लेना। ये था आज का हमारा लेक्चर, यहाँ पे इसको आज एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।